किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, इसे तो हर चीज से शिकायत है। इंसान को इंसान से तो छोड़ो, इसे तो भगवान से भी शिकायत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो बात बात पर भगवान को दोष देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, हमें ये क्यों नहीं दिया, हमें वो क्यों नहीं दिया, हमें उसके जैसा क्यों नहीं बनाया, आदि आदि। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है भगवान से शिकायत। एक जंगल में बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ थे, लेकिन एक पेड़ बड़ा विचित्र और टेढ़ा मेढ़ा था। उसका तना, डालियां सब बेढंगे से थे, पत्ते भी उस पर नाम मात्र के ही थे। जंगल का कोई भी जानवर उसकी छाया में नहीं बैठता था और ना ही कोई पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता था। उसे सब कुबड़ा पेड़ कहते थे। कुबड़ा पेड़ अपने साथ के सुंदर और सुडौल पेड़ों को देखकर निराश हो जाता था। वो सोचता था कि दूसरे पेड़ कितने सुंदर हैं, यदि मैं भी सुंदर होता तो पक्षी मुझ पर भी घोंसला बनाते, पशु मेरे छाया में आराम करते और उनके बच्चे यहाँ खेल कूद करते, मेरे आसपास भी चहचहाट और खिलखिलाहट होती। भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। एक दिन जंगल में लकड़हारा आया। कुबड़े पेड़ को देखकर लकड़हारा बोला, यह पेड़ तो किसी काम का है ही नहीं। उसने सुंदर सीधे साधे पेड़ों को चुना और कुछ ही देर में काट काट कर जमीन पर डाल दिया। यह सब देखकर कुबड़े पेड़ की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे टेढ़ा मेढ़ा बनाया, अगर मैं भी बाकी पेड़ों की तरह सुंदर और सीधा होता तो आज लकड़हारा सबसे पहले मुझे ही काटता। उसने तुरंत भगवान से माफी मांगी और फिर कभी अपने टेढ़े मेढ़े और कुरूप होने की शिकायत नहीं की। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में लोग अपने आप की तुलना दूसरे से बहुत करने लगे हैं, जो कि गलत है। और तो और, इसका दोष भगवान को देते हैं कि आपने मुझे उसके जैसा क्यों नहीं बनाया, उसकी जैसी किस्मत क्यों नहीं दी। ऐसी ढेर सारी शिकायतें भगवान से करते हैं। मगर कभी दिल और दिमाग से सोचिए कि अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया होता तो क्या दुनिया चल पाती, नहीं ना। और एक बात दोस्तों, अपने आप को किसी से कम किस्मत वाला, कम सुंदर आदि समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आप सब अपने आप में अद्वितीय, अतुलनीय और अनमोल हैं। भगवान ने हमें जो अच्छा लगता है ये सोचकर नहीं बनाया, बल्कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या अच्छा होगा उसके आधार पर बनाया है। इसीलिए भगवान से शिकायत करना और किसी को दोष देना बंद कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रही और आप मोटिवेट होते रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।